हेलो फ्रेंड्स, जीके हब ट्रिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब स्टेट में जो अभी हाल ही में पोस्ट आई हैं, पंजाब रेवेन्यू पटवारी, इरिगेशन बुकिंग क्लर्क जिनको हम पटवारी और जिलादार, इन सभी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो पोस्ट आई हैं उसके हम सिलेबस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी फील्ड से, किस किस फील्ड से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स कितने होंगे। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी और नेगेटिव मार्किंग के लिए एवरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए 1/4 मार्क्स वुड बी डिडक्टेड। मीन्स कि 25% एक क्वेश्चन में से अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है, आपके 0.25 मार्क्स जो है वहाँ से डिडक्ट हो जाएंगे आपके टोटल मार्क्स से, राइट। सो दैट इज़ द नेगेटिव मार्किंग इज देयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो सिलेबस में आपके जो बेसिकली 7 सब्जेक्ट से, 7 स्ट्रीम से आपके ऊपर क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। इसमें से क्या है, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ इंडिया एंड पंजाब, यहाँ से 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। सेकंड है मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी मींस रीजनिंग, यहाँ से आपसे 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद है क्वांटिटेटिव एबिलिटी मींस मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो 30 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। उसके बाद है लैंग्वेजेस, इंग्लिश और पंजाबी में से 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो पुट किए जाएंगे। उसके बाद है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उसमें से यानी कंप्यूटर, तो वहाँ से 15 मार्क्स 15 नंबर के क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। उसके बाद है एग्रीकल्चर, वहाँ से 10 मार्क्स के क्वेश्चन, और पंजाब की हिस्ट्री एंड पंजाब का कल्चर, तो वहाँ से भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 120 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का होगा और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25% रहेगी। सो ये सिलेबस था आपका पंजाब पटवारीज, इरीगेशन बुकिंग क्लर्क और जिलादार के लिए। अब ब्रीफ में डिस्कस करते हैं कि जीके से रिलेटेड और अदर पार्ट से रिलेटेड कौन कौन से इसका मेन सिलेबस का पार्ट है। तो जो फर्स्ट हमारा जीके अवेयरनेस इंडिया और पंजाब के जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उसमें क्या आएगा, जीके में करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, क्लाइमेट, डेमोग्राफी, डेमोग्राफी मींस पॉपुलेशन की ही एक ब्रांच है जिसमें हम पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन, उसके बाद इकोनॉमिक प्लानिंग, ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का पार्ट आ गया, नॉलेज रिलेटेड टू पॉलिटिकल एंड साइंटिफिक फील्ड, स्पोर्ट्स, सिनेमा, लिटरेचर, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, फ्रीडम एंड सोशल मूवमेंट्स एंड देयर लीडर्स ऑफ इंडिया एंड पंजाब की मेन जो हमारा नेशनल मूवमेंट हुए थे जैसे दांडी मार्च या भारत छोड़ो मूवमेंट, तो उनके मेजर लीडर्स कौन से उनके बारे में। उसके बाद थोड़ा सा सिविक्स का पोर्शन आएगा जिसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, उसके बाद है इट्स फीचर, कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, सेंट्रल एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव मींस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, देन जुडिशियल सिस्टम जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और स्टेट सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, सिटीजनशिप से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स और सिटीजन ड्यूटीज एंड सिटीजन्स, ठीक है। तो ये जीके से रिलेटेड क्वेश्चन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। उसके बाद है मेंटल एबिलिटी में क्या क्या होगा, प्रॉब्लम्स ऑन लॉजिकल थिंकिंग, देन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग एंड डीकोडिंग, लेटर एंड नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन पजल्स होंगे, ऑड मैन आउट प्रॉब्लम्स, एनालॉगी प्रॉब्लम्स होंगी, कॉमन सेंस टेस्ट होगा, प्रॉब्लम ऑन अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, डेट एंड कैलेंडर प्रॉब्लम्स होंगी, सेंस ऑफ डायरेक्शन प्रॉब्लम, रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो ये सारे के सारे जो है रीजनिंग से रिलेटेड, तो यहाँ से 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद क्वांटिटेटिव एबिलिटी में मेंसुरेशन ऑफ रेक्टेंगल्स, स्क्वायर, ट्राइंगल, ट्रेपेजियम, होम्बस, पेंटागॉन्स, सर्कल, यूनिट ऑफ मेजरमेंट लैंड एंड देयर कन्वर्जन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट, सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स ऑन रेशो एंड प्रपोर्शंस, डाटा इंटरप्रिटेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, कैलेंडर, क्लॉक्स, ट्रेन्स, प्रॉब्लम्स ऑन एज। तो ये मैथमेटिक्स रिलेटेड 30 मार्क्स के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करें। उसके बाद है लैंग्वेजेस में, तो इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेज होगी, तो इसमें क्या होगा, बेसिक ग्रामर के क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्ट एंड वर्ब से रिलेटेड, एडजेक्टिव, एडवर्ब, साइनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रॉब्लम कंसर्निंग वर्ड्स, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, आर्टिकल, प्रेपोजिशंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, करेक्शन इन सेंटेंसेस, जेंडर, सिंगुलर एंड प्लूरल, ईडियम्स एंड देयर मीनिंग्स। उसके बाद रीडिंग कंप्रीहेंशन, स्पेल एंड चेक्स, तो यहाँ से 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो है होंगे। उसके बाद है नेक्स्ट वन कंप्यूटर से रिलेटेड, दैट इज़ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसमें बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, वर्किंग ऑफ मोबाइल फोन्स, पर्सनल एंड डिजिटल गैजेट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी इन डे टू डे कम्युनिकेशन। उसके बाद है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स, इंटरनेट्स एंड साइबर लॉज, मालवेयर, कंसेप्ट्स रिलेटेड टू जीपीएस, जीपीएस मीन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम,
जियो फेंसिंग, अंडरस्टैंडिंग ईमेल, एसएमएस, मैसेंजर एंड ट्रेसिंग, यूज़ ऑफ ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल्स सच एज एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट। तो यहाँ से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है 6 एग्रीकल्चर, इसमें रबी एंड खरीफ सीजन, देयर सोइंग पीरियड, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, सॉइल ऑफ पंजाब, देन एग्रोफॉरेस्ट्री, इरीगेशन सिस्टम, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, हार्मफुल एंड फ्रेंडली इंसेक्ट एनिमल्स टू एग्रीकल्चर, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर, तो यहाँ से सूफीज, संत एंड गुरुज, लोधीज एंड मुगल्स, सिख रूलर्स, द ब्रिटिश पीरियड, नेशनल मूवमेंट इन पंजाब, पंजाब इन इंडिपेंडेंट इंडिया, मेजर पर्सनैलिटी इन हिस्ट्री ऑफ पंजाब, पंजाबी लिटरेचर, देन फोक डांस, परफॉर्मिंग आर्ट एंड क्राफ्ट। तो यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारे का सारा आपका सिलेबस था। तो अब सभी को मेरी एक सिंपल सी एडवाइस है, इस सारे के सारे जो सिलेबस है इस सभी को अपनी कॉपीज़ में अच्छे से लिख लें, क्योंकि जितना आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ये सिलेबस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस होगी और आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो ये सिलेबस दिया हुआ है, पंजाब में मोस्टली सिलेबस से ही क्वेश्चन आते हैं, तो स्पेसिफिकली आपने जो अपना माइंड कंसंट्रेट करना है टूवर्ड दिस सिलेबस ओनली। तो यहीं से 120 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चंस जो वेटेज एंड मार्क्स की 1 मार्क्स रहेगी, 120 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 120 ही मार्क्स होंगे। तो सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, दैट इज़ फॉर पंजाब रेवेन्यू पटवारीज एंड इरीगेशन बुकिंग क्लर्क एंड जिलाधार के लिए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।